सब्सक्राइब कीजिए टेक वाइंस चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देख पाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल टेक वाइंस पे स्वागत है और मैं हूं मयूर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए कौन से माइक ज़्यादा अच्छे रहेंगे और किस रेंज में ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको तीन माइक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि तीन अलग ब्रांड से हैं और लगभग लगभग सेम प्राइस में आते हैं। तो ये तीन माइक हैं जूम H1, ब्लू येटी, रोड माइक्रो। ये तीनों माइक आते हैं 6000 रुपये के अंदर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड वीडियो माइक्रो के बारे में। तो जो रोड वीडियो माइक्रो है वो आता है 5000 रुपये का, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको आप DSLR के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको अपने PC के साथ कनेक्ट कर सकते हो, पर आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, इसके साथ आपको एक पर मिलता है जो कि एक नॉइस रिडक्शन का काम करता है। तो जो हमारा दूसरा माइक है वो है ब्लू येटी। ये एक USB माइक है, तो सिर्फ ये कंप्यूटर में लगने वाला है, ना आपके DSLR में लगेगा ना आपके मोबाइल में लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा माइक है, ये एक स्टीरियो माइक है। ये A2D कन्वर्टर मोड के साथ आता है, मतलब आप अपनी वॉइस को अलग अलग मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको अराउंड 6050 रुपीज़ का मिल जाएगा अमेज़ॉन पर, फिर मैं आपको वही बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जो हमारा तीसरा आखिरी और लेजेंड वाला माइक है वो है जूम H1। तो ये आपको मिल जाएगा अराउंड 5950 रुपीज़ का अमेज़ॉन पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक 2GB के HD कार्ड के साथ फ्री में आता है। ये एक ऑडियो रिकॉर्डर के साथ साथ एक ऑडियो प्लेयर का भी काम करता है। इसमें आपको एक AA बैटरी डालनी पड़ेगी। एक स्टीरियो माइक है, इसमें आपको दो माइक मिलते हैं, एक X और एक Y। इसमें आप 32GB तक के कार्ड लगा सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक 3.5mm का आउटपुट दिया हुआ है। इसको आप अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इसको आप अपने DSLR से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये माइक है विनर। अगर आपको लेना है कोई 6000 रुपये तक का माइक तो आप जूम H1 ही लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा बजट कम है, मतलब 1000 रुपये कम है, तो आप रोड वीडियो माइक्रो भी ले सकते हैं, पर ब्लू येटी कोई काम का माइक नहीं है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा टारगेट रखता हूँ, 50 लाइक्स का और 500 व्यूज़ का। आई होप कि आप ये टारगेट को पूरा कर देंगे। आपके लिए एक बहुत छोटा सा टारगेट है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट है। अगर मैंने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो मैं ये मान सकता हूँ कि मैं इन फ्यूचर में बहुत अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो 1% भी पसंद आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ इसने कुछ तो बताया है, वो कुछ तो पता लगा है उस चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अगर किसी कारणवश आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी मत करिए, आप छोड़ दीजिए बस वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो आप डिसलाइक भी मत करिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं जो आदमी डिसलाइक करता है वीडियोस को, उसको कई लोग हेटर्स कहते हैं, पर वो हेटर भी कहलाने के लायक नहीं होगा मेरी वीडियोज़ में, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में तो इतने व्यूज़ आते ही नहीं है, 15 से 20 व्यूज़ आते हैं। मैं कोई तरक्की थोड़ी ना कर रहा हूँ कि 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई जलन हो रही होगी किसी को, तो वो डिसलाइक कर देगा। आप 10-15 व्यूज़ में भी अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो फिर अब आप ही जानो। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप सभी लोग को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो, और देखी है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो।